अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान चौधरी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा घुमाऊंगा और आठ एंड डिज़ाइन में एक फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे भी हम चलते हैं। उससे पहले कुछ दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आठ एंड डिज़ाइन में। ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सेन से जो भी पास आउट होगा उसे ये जगह तो हमेशा याद रहेगी। मक्सी कैंटीन से थोड़ा सा आगे है आर्ट फैकल्टी। जाने मत, बाद में मिलते हैं। जहाँ से मेरा फर्स्ट ईयर से दोस्त कहते हैं यूनिवर्सिटी के जो दोस्त होते हैं वो स्नेक्स होते हैं। जहाँ से भाई तू स्नेक क्यों नहीं निकला, तूने अपना रियल रूप अभी तक दिखाया क्यों नहीं मुझे ये बता। लेकिन तूने अपना असल रूप दिखाया मुझे। वो कैसे स्नेक निकला? बड़ा वो कैसे भाई, बताना ऑडियंस को। सीन किए ना तूने मेरे साथ, एक अच्छे वाला बता। नहीं बताना नहीं है, बस किए हैं। एक बता देना, मुझे नहीं पता ना, मैं भूल गया हूं। नहीं वो पता है तुझे, भूल नहीं है। अब हम निकल चुके हैं आर्ट फैकल्टी से, और आर्ट फैकल्टी से बिल्कुल थोड़ा सा आगे है आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट। और रश काफ़ी होगा, सेकंड डे आज, 3 दिन का होता है ये आर्ट एंड डिज़ाइन का एग्जीबिशन। चलो वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है। जहाँ से पहले गया तो अभी आर्ट एंड डिज़ाइन के जो होता है एग्जीबिशन? नहीं, आज फर्स्ट टाइम होगा तेरा? मेरा सेकेंड टाइम होगा। चले गया है? आ गया हूँ, लेकिन तुझे नहीं बताया था मैंने। ये भी बंड मारा देखा, स्नेक्स वाली थोड़ी थोड़ी हरकतें करनी चाहिए बंदे को ना, लेकिन फुल ना करे बंदा। नहीं लेकिन तू फुल ही है देखा जाए तो। आर्ट एंड डिज़ाइन हम पहुंच चुके हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन में आने के बाद ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा हिस्सा आ गया जिसे कभी आपने एक्सप्लोर ना किया। यूनिवर्सिटी मतलब लगता ही नहीं कि इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा होगा ये। जाज़ेब कैसा लग रहा है फर्स्ट वीज़ तेरा, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब। अबे ये देखो यार, पूरा विलेज इसके अंदर किया गया है। तो ये भाई इस पिक्चर को, इस आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई इस मुतालिक बताइएगा आप थोड़ा हमें। काम है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो आपके साथ हादसा और ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो कभी आप भूल नहीं पाते। नीचे सारा घूम लिया हमने, 3-4 बने हुए थे, अब जाते हैं वहाँ पर। जाज़ेब कम ऑन बॉय। आईफोन ही आईफोन पड़े हुए यहाँ पे। मैं जाज़ेब को एक आईफोन 14 प्रो मैक्स गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था तेरे लिए। जिसके साथ तुझे ये फ्री रशियन भी फ्री मिल गई है। जाज़ेब जो इन कप्स पे नज़र रख के बैठा हुआ कह रहा है मुफ्त में मिल रहे हैं। मैंने बोला आ गया ना गिफ्ट, आ गया ना मालिक, उसने डंडा दे के निकालना है यहाँ से। हम वेट कर रहे थे कि इसका ऑनर आए, हम उससे पूछ सकें कि भाई मुफ्त में दे रहे हैं तो हमें भी दे दे, लेकिन मुझे पता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन जाज़ेब ऐसा एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है।
मुझे मैं एक और एग्जीबिशन में पता मैं नहीं चल के रहा यहाँ पे वापिस आ रहे हैं और सी आर की कॉल आई है कि क्लास स्टार्ट हो गई जल्दी जल्दी पहुंचो तो हम जा रहे हैं वापस क्लास लेने मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा और अब जा रहे हैं हम वापस डिपार्टमेंट क्लास लेने के लिए अब डिपार्टमेंट से आपको ज्वाइन करता हूँ मैं तो भाई हम आर्ट एंड डिज़ाइन सब पहुँच चुके हैं सी एल वैसे जो सेंट्रल लाइब्रेरी को कहा जाता है लेकिन यहाँ पे लोग सी एल कहते हैं पॉइंट्स स्टॉप को कार्ड स्टॉप को सी एल कहते हैं यह है वन ऑफ द मोस्ट ख्वारी अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में यहाँ पे आप 3 बजे देखिएगा कैसे ख्वार हो रहे होंगे लोग ना यहाँ पे और डिपार्टमेंट हमारे सीधा सामने सामने है कॉमर्स भैया पहुँच चुके हैं हम डिपार्टमेंट तो अभी क्लास का टाइम है हमारा और मैं तकरीबन 1 घंटा पहले से लेट हो चुका हूँ बालों की हालत देख सकते हैं आप 1 घंटा मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ तो क्लास लेते हैं ठीक है मैं मिलते हैं नेक्स्ट फ्लोर में खुदा हाफिज़।